तो अब जो है हमने गॉस थ्योरम को समझ लिया है, उसके एप्लीकेशन को भी सीख लिया। इसके बाद एक ऐसा अरेंजमेंट होता है चार्ज का जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं। उस अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये है क्या एक्चुअली में, दो पॉइंट चार्ज का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे जाते हैं और उनका जो नेचर होता है वो अपोजिट नेचर होता है। तो इसमें कहा जाता है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम डाइपोल। तो ये जो भी मैंने डेफिनेशन बताया है इसका मैं मतलब बताता हूं। जैसे अपने पास दो चार्जेज हैं, एक है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। ये दो ऐसे चार्ज लेने हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब अगर ये दो कूलम का होगा तो ये भी दो कूलम का हो, ये दो माइक्रो कूलम का हो तो ये माइनस दो माइक्रो कूलम का हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए लेकिन नेचर जो है अपोजिट होना चाहिए। ये निगेटिव तो वो पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव तो वो निगेटिव, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन मैं मान लेता हूं कि 2L है, है ना। तो ये जो सेपरेशन है ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अगर मुझे यहां से r डिस्टेंस पर यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये ध्यान रखना है कि जो r है वो इस L से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी इनको डायपोल कहा जा सकता है, है ना। अगर ये r जो है ये L से कंपेरेबल है फिर इसको डायपोल हम लोग नहीं कहेंगे, है ना। मतलब ये है कि अगर r जो है मीटर में दिया गया हो और L जो है मिलीमीटर में हो तो चलेगा, मतलब ये बहुत छोटा होना चाहिए फील्ड पॉइंट के डिस्टेंस से, तभी जो है इसको हम लोग डायपोल कर सकते हैं, है ना। अब मैंने जो समझाया इसको समझते हुए मैं एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ता हूं। कहा गया है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया है बट अपोजिट नेचर, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L इन कंपेरिजन टू, मतलब कि वेरी स्मॉल किसके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट क्या है, ये है जहां पर फील्ड हमें निकालना है। तो डायपोल से इस फील्ड पॉइंट का जो सेपरेशन है यानी कि r, इसके रिलेटिव में इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होगा तब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। तो जैसे ये जो डायपोल है इसका एक डायपोल मोमेंट निकाला जाता है, डायपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन लेंगे 2L और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज डायरेक्शन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग
line joining the two point charges from negative charge to पॉजिटिव चार्ज. करने का मतलब यह है कि जैसे एक निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन कौन सा है, ये वाला. तो इसी के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है. और इनके लाइन यानी के पैरेलल तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. तो ध्यान रखना है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा. ठीक है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा. और इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखना हो तो 2q इंटू एल, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच का सेपरेशन लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकल जाएगी. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उसके कारण से एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है. तो सबसे पहले जो है उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे. एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं. एक्सिस क्या होता है, जैसे कि ये हो गया निगेटिव चार्ज है ना, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस. ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हो गया एक्सिस. और इस पर अगर कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी है यहां पर है ना, या कोई पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए है. अब इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कहेंगे कि हम लोग इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. ये जो है दोनों के बिल्कुल बीच में ये है मिड पॉइंट, और यहां से एल डिस्टेंस पर ये पड़ेगा और यहां से एल डिस्टेंस पर ये वाला चार्ज पड़ेगा. ठीक, ये जो मिड पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पर हमने मान लिया कि ये फील्ड पॉइंट ए है. ठीक, उस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे कि दोनों चार्ज के कारण से इंडिविजुअली निकालेंगे. जैसे इसके कारण से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा आएगा है ना. तो रिजल्टेंट हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर. ये आर है और ये एल माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा. तो इसके कारण से यहां पर फील्ड आया इधर, इसको हमने पॉजिटिव लिखा, और इसके कारण से यहां पर फील्ड उल्टा आएगा उसको निगेटिव लिखेंगे. और ये आ जाएगा के क्यू चार्ज, क्योंकि यहां भी क्यू है, और यहां से डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट का, ये आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर. अब इसमें जो है के क्यू हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और नीचे इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, यह आ गया. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर माइनस, फिर इसको करेंगे मतलब एक्सपेंड करेंगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहां पर हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसमें देखेंगे ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये L स्क्वायर इस L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा KQ और यहां पर बचेगा 2LR. और इसमें से चूंकि हमें पता है कि डायपोल के केस में R जो है L से बहुत बड़ा होता है, तो इस केस में ये जो L है इस L को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं. जैसे ये मीटर में हो और L मिलीमीटर में हो तो ये जो L है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है ना. तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ये हो जाएगा R पावर 4. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको लिखा जा सकता है यहां पर के क्यू इंटू ये 2LR और 2LR एक्चुअली में ये 4LR हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूं 2K इंटू Q इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय R पावर 4। मतलब ये जो 4 था इसको मैं अलग अलग कर दिया, 2 यहां पर एक 2 यहां पर, बाकी K क्यू एल पहले भी थे और K क्यू एल पहले भी, है ना। यहां पर एक R जो है हम लोग कैंसिल कर देंगे, एक R कैंसिल होगा तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि ये तो हो गया 2K और ये वाला जो टर्म है एक्चुअली में डायपोल मोमेंट आ गया, है ना। Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये डायपोल मोमेंट होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं P और डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यहां पर देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सिस के अलोंग आएगा, तो इसलिए एक्सियल पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं 2K P वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। यहां पर मैंने वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ये फील्ड आ रहा है ना। तो एक्सियल पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 2KP बाई आर क्यू और डायरेक्शन जो होता है वो डायपोल मोमेंट के बिल्कुल पैरेलल होता है। तो एक्सियल पॉइंट के बाद अब हम लोग पता करेंगे कि जो डायपोल है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे कि ये मीड पॉइंट है, इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों चार्जेस का, इनका मीड पॉइंट है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये है दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन है इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन पर कोई पॉइंट है यहां पर, अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इधर, मान लिया ई है। ये निगेटिव चार्ज है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा, क्योंकि इससे जितना डिस्टेंस पर यह पड़ेगा इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर पड़ेगा, बस फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। ये यहां पर टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये यहां पर टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब जो है मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल बीच में इसके पैरेलल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल लाइन पर। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 है ना। तो ये जो, चूंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, यहां पर कितना आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा e cos थीटा और इसका कंपोनेंट इधर आएगा e cos, यानी रिजल्टेंट आएगा e cos थीटा और इन दोनों का जो कंपोनेंट है e sin थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जा रहा है, इधर वाला ऐड होगा। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं वो भी किस कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 2e कॉस थीटा के इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, जैसे इसके कारण से यहां निकालना हो, ये डिस्टेंस तो एल हो गया, है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आर, मतलब मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड निकालना है, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो ई की जो वैल्यू है इसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कॉस थीटा है। अगर इसी में देखा जाए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, तो कॉस थीटा को लिखा जा सकता है एल डिवाइडेड बाई ए हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, है ना, यानी के टू क्यू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एल है, एल बहुत ही छोटा होता है आर डिस्टेंस से, है ना, आर जो है फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस है और एल जो है 2L जो है इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है, तो L बहुत छोटा होता है, तो इस L को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना। ध्यान रखना है कि इस वाले L को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमेशा जब नेग्लेक्ट किया जाता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट या डिवीजन वाले को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, तो इस L को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। तो ऊपर आ जाएगा K, ये वाला जो टर्म है ये हो गया डायपोल मोमेंट, और ये आ जाएगा आर क्यूब, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इतना हो गया, अगर डायरेक्शन के साथ में देखें तो यहां पर एक मैं माइनस साइन लगा सकता हूं, माइनस इसलिए क्योंकि देखेंगे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इधर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो जस्ट डायपोल मोमेंट का उल्टा आया है, इसके पैरेलल ही है उल्टा, यानी अगर पी के आगे माइनस साइन लगा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो केपी बाई आर क्यूब होता है वो यहां पर है, है ना। तो ये हो गए इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पर। इसके बाद हम वो कैलकुलेट करेंगे किसी जेनरल पॉइंट पर, मतलब कि स्पेस में कोई जनरल पॉइंट है डायपोल के अराउंड, तो उस जनरल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट जनरल पॉइंट जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूं, जैसे कि ये हो गए चार्जेस और ये दोनों मिला करके एक डायपोल बन गया, ये मिड पॉइंट है, ये एल और ये एल, है ना। तो अगर इसको ओरिजिन माना जाए तो कोई पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट है और ये थीटा हो गया, अगर इसको कोई कहता है कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो किसी पॉइंट का पोजीशन हम लोग आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी लिखते हैं, आई कैप जे कैप जैसे यूनिट वेक्टर होते हैं वैसे ही आर और थीटा के टर्म में भी जो है बताया जाता है पोजीशन, जैसे कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर जाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट का लोकेशन ऐसे भी पता करा जा सकता है। तो है क्या यहां पर कि ये जो डायपोल है डायपोल से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर जो डायपोल मोमेंट है डायपोल मोमेंट कहीं ऐसे होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इस डायपोल को रिजोल्व करते हैं क्योंकि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको रिजोल्व करता हूं, एक तो निकालेंगे इसका कंपोनेंट इधर आर के पैरेलल और एक निकालेंगे इस आर के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इधर वाला कॉमन चूंकि ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कॉम्पोनेंट आएगा पी कॉस थीटा और इधर वाला आएगा पी साइन थीटा, है ना। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर दो डायपोल है, एक ये डायपोल है ये डायपोल है और ये वाला डायपोल को भूल जाता हूं क्योंकि इसी के बदले में तो ये दो कंपोनेंट मैंने लिखा है ना। अब दोनों कंपोनेंट निकल गए तो दोनों कंपोनेंट के कारण से इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, ठीक। तो देखेंगे कि ये जो डायपोल है इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर ये पड़ रहा है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है इसके कारण से ये एक्सियल पॉइंट है ना, और एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये होता है जैसे कि हमने यहां पर निकाला था 2kp बाय आर क्यूब। पी क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है, यहां पर डायपोल मोमेंट जो है इसका वो पी नहीं है बल्कि पी कॉस थीटा है जिसके कारण से हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे पी कॉस थीटा, ठीक। अब जो है यहां पर एक ये वाला डायरेक्शन आएगा, यानी मैं इस कंपोनेंट के कारण से फील्ड निकालना चाहता हूं, तो ये जो डायपोल है
इस डायपोल का एक्चुअली में इक्वेटोरियल लाइन पड़ेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट पड़ेगा, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो डायपोल मोमेंट का जस्ट उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसको हम लोग कहेंगे ई इक्वेटोरियल, जैसा कि अभी हमने यहां पर निकाला था। मतलब अगर ये डायपोल है तो डायपोल के जस्ट परपेंडिकुलर कोई लाइन होता है, उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसकी वैल्यू आती है केपी बाई आर क्यूब, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा वो होगा केपी बाई आर क्यूब, पी के जगह पर पी साइन थीटा रखेंगे क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट पी नहीं है बल्कि पी साइन थीटा है, तो यहां पर पी साइन थीटा रखेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन में ये एक्सियल वाला और इसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि इसी के लाइन में ये पड़ेगा, तो ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर थे तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं आएगा इधर बीच में, है ना, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए, तो कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस एक्सियल का स्क्वायर का रूट, है ना, इस तरह से होना चाहिए क्योंकि दो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो गए एक तरह से और उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है ना। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, इक्वेटोरियल का जो वैल्यू आया है वो इतना है के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस एक्सियल पॉइंट पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसमें से देखेंगे कि के पी बाई आर क्यूब जो है इसको तो बाहर निकाला जा सकता है और अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के हो जाएंगे 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर रह जाएगा। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना। अगर इसका डायरेक्शन पता करना हो तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल है अल्फा, तो अगर मैं टैन अल्फा निकालूंगा, है ना, ये टैन अल्फा निकालना हो तो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल करना पड़ेगा टैन अल्फा निकालने के लिए, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल, तो इक्वेटोरियल वाला आया है के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यहां भी था और आर क्यूब यहां भी था, है ना, तो ये आर क्यूब तो कैंसिल हो गए, यहां से के पी भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाफ टेन थीटा। तो एक रिलेशन यहां से आया टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा, तो अगर किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो दो चीजें हमें पता होगी, एक तो आर पता होगा एक थीटा पता होगा, तो थीटा पता होगा तो अल्फा निकाल लेंगे ये वाला, है ना, तो थीटा अगर पता होगा ये डिस्टेंस आर पता होगा, डायपोल मोमेंट भी दिया ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन निकालना हो तो अल्फा और थीटा से निकालेंगे, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज अल्फा प्लस थीटा। जैसे देखेंगे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस आर से अल्फा एंगल पर है, अगर यहां पर दिखाऊं तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लाइन से अल्फा एंगल पर यानी इस लाइन से अल्फा एंगल, ठीक, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस थीटा।
तो डायपोल मोमेंट भी वेक्टर हमें पहले से पता होगा, उसे आल्फा प्लस थीटा एंगल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, जबकि मैग्नीट्यूड आएगा इतना, है ना। अब जो है इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम डाइपोल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर डैश फ्रॉम सेम डायपोल देन फाइंड रेशियो आर डिवाइडेड बाई आर डैश। तो कहने का मतलब यह है कि अपने पास अगर कोई डायपोल दिया गया हो तो इसके एक्सियल पॉइंट पर, जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। इक्वेटोरियल पॉइंट जैसे यहां पर है, मान लिया आर डैश डिस्टेंस पर है, जो कि कहा गया है कि आर डैश डिस्टेंस पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है kp/r³। अगर ये डिस्टेंस आर डैश है तो kp/r³ हो गया, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ठीक है। डायरेक्शन बिल्कुल कभी इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन तो हमेशा अपोजिट आएगा। यहां पर एक्सिस के पैरेलल आता है, मतलब पी के डायरेक्शन में आता है, पी के उल्टा आता है। तो यहां पर इक्वल कहने का मतलब है कि उनका स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल करते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा kp/r³ और उसका आ जाएगा 2kp/r³। तो kp और kp जो है ये कैंसिल हो गया, है ना। तो r/r³² = 2 हो गया, है ना। तो r/r² = 2^1/3। तो ये रेशियो आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में भी वैसा ही एक डायपोल जैसा कुछ दिया गया है, कहा गया है 2 point charges ऑफ 5 µC चार्ज बट अपोजिट इन नेचर। मतलब एक तो निगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। दोनों के बीच में सेपरेशन दिया गया है यहां पर 4 cm, आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 4 cm, ठीक। यहां पर क्यू की वैल्यू दी गई है 5 µC, यानी 5×10⁻⁶ कूलम। ये चार्ज हो गया। अब कहा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, जैसे ये एक्सिस कहलाता है, तो एक्सियल पॉइंट पर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 cm फ्रॉम डायपोल। तो अगर डायपोल से कोई डिस्टेंस बोला जाता है तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो मिड पॉइंट है यहां से डिस्टेंस बताऊंगा 4 cm। यहां से 4 cm होने का मतलब है कि यहां से 2 cm पर पड़ेगा इधर, यहां पर कोई पॉइंट है ए, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो डिस्टेंस एल हम लोग जिसको कहते थे एल, पहले एल क्या कहते थे कि ये अप्रोक्सीमेशन लेते थे, मतलब फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन से। यहां पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन 4 cm है ना, यानी 2L की वैल्यू 4 cm है और जो फील्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस भी 4 cm ही है।
तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा करके जो भी वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड किया था वो फॉर्मूला यहां पर लगा नहीं सकते। तो यहां पर करना क्या पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेज के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसके कारण से यहां पर जो फील्ड आएगा यह आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस देखेंगे 2 सेंटीमीटर आएगा यहां से, 2 सेंटीमीटर यानी 2/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, माइनस इसके कारण से उल्टा आएगा इसलिए माइनस लगा रहा हूं, के क्यू डिवाइडेड बाई इससे सेपरेशन हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 4 ये है और 2 ये होगा, है ना। तो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड 100 कर दिया तो मीटर में हो गया का होल स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁶ माइनस 9 × 10⁻⁹ इंटू ये जो क्यू है ये भी है 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2, या कह सकते हैं नीचे आ जाएगा 4, यहां पर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 4 × यहां पर आएगा 10⁻⁴, ये 100 है ऊपर ले जाएंगे ऐसा कुछ दिखेगा, और यहां पर आएगा 36 × 10⁻⁴। जब ये सारे हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर स्ट्रेंथ आएगा।